हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ नीरज गुप्ता। मेरे ख्याल से आप GST में वाउचर्स एंटर कर रहे होंगे और आपको बहुत अच्छा कंफर्टेबल लग रहा होगा और लग रहा होगा अरे भाई तो बहुत ही आसान है, जो पहले सीखा था बिल्कुल वैसे ही है। इसमें कुछ भी नया या बहुत टेक्निकल नहीं है, सिंपल डिटेल्स आपने डालते जानी है और आपका काम बन रहा है। और आपको मैं जब GST पोर्टल पर वर्किंग सिखाऊंगा तो वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी है। खैर, फिलहाल तो अभी हम टेली पे ही वर्किंग करना सीख रहे हैं, तो लेट्स स्टार्ट विद द एंट्री ऑफ आउटवर्ड सप्लाइज। KD इलेक्ट्रॉनिक्स ने जो 3 सेल्स की हैं, मैंने जो एग्जांपल क्रिएट किया उसमें, तो सेल्स पे जाएंगे। सबसे पहले इसकी डेट चेंज करेंगे, ये है 14 जुलाई जो आपको डेट दी गई है। मैंने पहले बोला था प्रिंट आउट निकाल के रखना, ढंग से समझ लेना, उसके बिना बार बार मैं इसमें दिखा तो सकता हूँ बट इसमें टाइम लगता है फालतू का और ठीक से दिखता भी नहीं। ये KD इलेक्ट्रॉनिक्स, इस बार मनीषन कंपनी, रोहतक, दोनों सेम है, रोहतक ये तो सिटी भी सेम है। वैसे अगर सिटी डिफरेंट भी हो लेकिन हरियाणा होगा तो भी वो लोकल सप्लाई आएगा, उसमें CGST और SGST का चक्कर पड़ता है। इनवॉइस नंबर 112 है, ये मैंने ले लिया। पार्टी नेम मनीषन कंपनी, ये मैंने ले लिया। इसकी डिटेल हमने जो भी भरनी थी सब पहले भर के तैयार हैं। सेल्स लेजर, ये सेल्स आउटवर्ड सप्लाई है। आइटम, अब आइटम के लिए हम इसमें जाके देख सकते हैं, प्रिंट आउट भी आपके पास होगा ही। CCTV कैमरा और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बेचे हैं रिस्पेक्टिव आइटम। तो सबसे पहले मैं देख रहा हूँ CCTV कैमरा, क्वांटिटी है इसकी 70 पीस, रेट इसका है 3400, तो उसके हिसाब से ये हो गया 238। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रॉनिक टॉयज, ये इसने बेचे हैं 25 पीस, रेट लगाया 7000 का, तो ये बिल हो गया 4,13,000। हम देख सकते हैं जो बिल का टोटल है 4,13,000, ये हमारा एग्जैक्ट मैच कर रहा है। अब इसके ऊपर हमें आउटपुट, क्योंकि जब हम बेच रहे हैं तो हमें गवर्नमेंट को टैक्स देना है, ये हमारी जिम्मेदारी है। तो अब हम इस पर CGST आउटपुट लेंगे। एक तो आउटपुट का मतलब द टैक्स पेबल, इसकी लाइबिलिटी है हमारी, तो ये हमारा है 37,170। और SGST आउटपुट, इसके अंदर हम ले रहे हैं 37,170, करेक्ट। ये मैंने कंप्लीट कर दिया। मैं देख सकता हूँ मेरा बिल इंक्रीज हो गया, 487,340 पे चला गया, 487,340 पे, करेक्ट। ये मेरा इनवॉइस इसमें दिस वे प्रॉपरली एंटर हो गया। मैंने इसकी नरेशन लिख दी, बीइंग आइटम सोल्ड टू मनीष एंड कंपनी। अब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। चलिए जी, मैंने तो अपने पास पेज पलट दिया, मेरे पास नज़र आ रहा है अजय इलेक्ट्रॉनिक्स 17 जुलाई, मैंने इसकी डेट चेंज की 17th of July 2017। रेफरेंस नंबर मेरे पास नज़र आ रहा है 117। पार्टी नेम अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, सबसे ऊपर वैसे ही है बाय द अल्फाबेटिकली, इसको मैंने पिक कर लिया। सेल्स है जी, बिल्कुल है। इसको मैंने क्या बेचा है मैं एक बार आपके पास जाके दिखा दूँ, जिसको हम डील कर रहे हैं। दिस इज़ अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, ये हरियाणा से राजस्थान है, तो इस बार IGST का चक्कर है। 18 और 28 दो अलग अलग रेट के आइटम्स हैं। चलिए, नेम ऑफ द आइटम हम ले रहे हैं CCTV कैमरा, इसकी क्वांटिटी बेची है इसने 100 पीस अजय इलेक्ट्रॉनिक्स को 3300 में। और रेफ्रिजरेटर की अगर मैं बात करूँ तो ये इसने इनको बेचे 8 पीस और इसका रेट लगाया 29,000, तो ये हो गया 232। अब हम देख सकते हैं 562, ये हमारा बिल मैच है, इनवॉइस हमारा मैच है, एंट्री हमारी सही चल रही है। अब हम इसमें लेंगे IGST आउटपुट, क्योंकि ये दूसरे राज्य, दूसरी स्टेट में हमने माल बेचा, तो इसका टोटल हम कंबाइंड टैक्स शो कर रहे हैं इसके अंदर। उसकी डिटेल आप देख सकते हैं कि वो इनवॉइस के अंदर नीचे अवेलेबल है, वे 18% पे इतना बना, 28% पे इतना बना, टोटल 124,090 हमने उतना इसके अंदर चढ़ा लिया, करेक्ट। अब हम यहाँ पे दिखा सकते हैं बीइंग गुड्स सोल्ड टू अजय इलेक्ट्रॉनिक्स, करेक्ट। अब मैं इसको एक्सेप्ट करूँगा तो फिर ये मेरा काम कंप्लीट हो गया। दिस इज़ माई कंप्लीट वाउचर एंट्री। अब मैं थर्ड वाउचर इसमें एंटर कर रहा हूँ आपके लिए, एंड दिस इज़ ऑफ समर्थ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। रेफरेंस नंबर इज़ 144। पहले मुझे डेट चेंज करनी चाहिए इसकी, इसकी डेट है 21st of July 2017। 144, पार्टी नेम इज़
समर्थ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, इसकी डिटेल्स, एड्रेस और सब मैंने पहले से एंटर की हुई है। समर्थ को मैंने क्या बेचा है, समर्थ को भी मैं इसका आपको इनवॉइस दिखाता हूँ, वैसे तो प्रिंट आउट ने निकाल रखा होगा। समर्थ को मैंने रेफ्रिजरेटर और इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बेचे हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर, ओके, रेफ्रिजरेटर मैंने ले लिया, 10 क्वांटिटी है और इसको मैंने 34,000 में ये चीज़ बेची है, 340 हो गया। उसके बाद मैंने इसको इलेक्ट्रॉनिक टॉयज बेचे, समर्थ इलेक्ट्रॉनिक को 12 पीस और इसमें मैंने 6500 का इसको रेट लगाया, 78,000। हम देख सकते हैं कि जो हमारा बिल है 418 का, वो इसमें पूरा पड़ रहा है ना, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, लेकिन क्योंकि ये दोनों पार्टीज़ जो हैं वो लोकल हैं, तो इसमें मुझे CGST आउटपुट लेना होगा, विच इज़ 54,620। डिटेल इसकी इनवॉइस में है, और SGST आउटपुट भी लेना होगा क्योंकि मैंने बेचा है, तो मेरी टैक्स लायबिलिटी खड़ी हुई है, ये मुझे गवर्नमेंट को पे करनी है, 54,620 बीइंग गुड्स सोल्ड टू समर्थ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर। ये मैंने इसको बेच दिया। अब मैं इसको यस करूँगा तो ये मेरा 21 जुलाई का रेफरेंस नंबर 144 का समर्थ इलेक्ट्रॉनिक स्टोर का जो मेरी एंट्री थी यहाँ पर, ये कंप्लीट हो गई है, जो कि 527,240 पे होनी चाहिए थी, तो ये उतने पर ही आ रही है ना। चलिए ठीक है, मैं इसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ, यस। तो अब ये मेरा काम दिस वे कंप्लीट हो चुका है कि मैंने इसमें अपने सारे वाउचर एंटर कर दिए जो कि आउटवर्ड सप्लाई सेल्स के थे। अब दो वाउचर अगर आपने प्रिंट आउट निकाला हुआ है प्रॉपर्ली, तो आपको दो वाउचर जो है बिफोर फाइनल एडजस्टमेंट सर्विसेज के भी नज़र आ रहे होंगे, तो मैं उनको एक छोटी सी एक सेपरेट वीडियो में कर देता हूँ। आई थिंक ये बेटर रहेगा। ये वीडियो कितने मिनट की बन चुकी है, एक बार इसको देख लें, 7 मिनट की होगी। ये बेटर भी रहेगा कि आपने जो 2-3 वाउचर मैंने एंटर किए, एक बार आप पहले खुद उनको अपने हाथ से एंटर कर लें, फिर एक छोटी वीडियो में हम दो सर्विसेज के वाउचर भी एंटर कर देंगे। थैंक यू।